हेलो फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है कि अनचाहे गर्भ से बचने के लिए और यौन संबंध बनाते समय किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सेफ्टी मेजर्स का प्रयोग करें, जैसे कि कॉन्डम या फिर गर्भ निरोधक गोलियां। लेकिन कई लोगों के मन में ये शंका है और कई चीजों से या फिर स्पेशल केसेस से यह बात भी सामने आई है कि यदि आप गर्भ निरोधक गोली का सेवन करते हैं तो उसकी वजह से HIV का खतरा टलता नहीं है। क्या ये बात सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे? जब भी यदि पुरुष कॉन्डम का प्रयोग करते हैं तो उसकी वजह से किसी भी प्रकार का संक्रमण, अनचाहा गर्भ और HIV, ये तीनों चीजों का खतरा बिल्कुल टल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गर्भ निरोधक गोली केवल अनचाहे गर्भ को ही रोक पाती है, क्योंकि ये पुरुषों के अंदर बनने वाले स्पर्म के अंदर से सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन को ही बाहर निकाल देती है और उसी की वजह से महिला के अंदर स्पर्म पहुंच तो पाता है लेकिन वो बच्चा नहीं बन पाता है। इसीलिए अगर आप गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल करते हैं और आपको HIV हो जाता है तो आपको ज्यादा घबराने की या फिर शंका जताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है। अगर आप HIV से बचना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप गर्भ निरोधक गोली इस्तेमाल किए बगैर आप कॉन्डम का भी इस्तेमाल करें। दोनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।